तेलंगाना के वेंकटापुरम से नशीली दवाइयां खरीदकर बीजापुर ला रहे दो युवकों को पुलिस ने नए बस स्टैंड पर धर दबोचा, जो कई दिनों से बीजापुर में नशीली दवाइयों का कारोबार चला रहे थे। पुलिस को नशे के सौदागरों की कई दिनों से तलाश थी। सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों से पल्सर बाइक सहित करीब 14,000 रुपए के 1500 टैबलेट पुलिस ने जब्त किए हैं। नशीली दवाइयों में अल्प्राजोलम 0.5 mg और स्पास्मोप्रोक्सीवान प्लस भारी मात्रा में पुलिस ने जब्त किए हैं। भाव सिंह मंडावी और मनोज मोडियम नशीली दवाओं का कारोबार चला रहे थे। दोनों आरोपी शांतिनगर बीजापुर के निवासी बताए गए हैं। सिटी कोतवाली बीजापुर के थाना प्रभारी चंद्रशेखर बारीक ने बताया कि दोनों युवकों पर नारकोटिक एक्ट 22B NTPS के तहत मामला पंजीबद्ध किया। कहाँ करने वाले हो? अच्छा, कहाँ से ला रहे थे टेबलेट पूरा? क्यों ला रहे थे? खाने के लिए। इतना सारा टेबलेट खाने के ला रहे थे? थोड़ा थोड़ा करे थे। बेचते भी थे क्या? फिर तो अपने लिए। कितने में मिलता है वहाँ पे? वहाँ पे वही 800। कितने दिनों से काम कर रहे हो आप लोग? कल ही ला रहे थे, इससे पहले नहीं लाए? कैसे पता चला कि वहाँ पर नशीली कसूर मिलता है? बताए तभी है। कौन बताया? दोस्त लोग बताए तो वहाँ से। इसमें जो मुखबिर से जानकारी लगी थी कि दो व्यक्ति जो है तेलंगाना की ओर से भोपालपट्टनम मार्ग से जो नशीली दवा लेकर मोटरसाइकिल में यहाँ बीजापुर में खपाने वाले हैं। सूचना पर आवश्यक कार्रवाई करके कल दिनांक को नया बस स्टैंड में नाकेबंदी की गई और जिनके पास जो बजाज पल्सर मोटरसाइकिल बिना नंबर की थी उसमें उन्होंने दो बैग रखा हुआ था पीठ पे लटकाए हुए, जिनके पास से अलग अलग भारी मात्रा में जो है नशीली टेबलेट, जो प्रतिबंधित नशीली दवाएं हैं, वो बरामद हुई हैं। इस संबंध में जो है 22B NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आज दिनांक को उन्हें जो है ज्यूडिशियल रिमांड पर विशेष न्यायालय दंतेवाड़ा में प्रस्तुत किया जाएगा।